खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से है, जहां आज चकिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चकिया पुलिस ने एक सातिर पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके ऊपर 15,000 का इनाम घोषित था। वहीं अभियुक्त का एक साथी मौके से भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त पर विभिन्न धाराओं में कार्यवाही कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। दरअसल SP हेमंत कुटियाल के निर्देशन पर जनपद में लगातार अपराध पर अंकुश लगाना व अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चकिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सैदपुर मार्केट में सातिर और इनामिया पशु तस्कर बिहार निवासी राशिद सुमानी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि अभियुक्त राशिद सुमानी पर चंदौली में कई मुकदमे दर्ज हैं और पिछली बार अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जब इस बार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक तमंचा, अवैध असलाह बरामद किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। Thank you.